हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने ये 4 वोल्ट की टॉर्च लेकर आया हूँ। 4 वोल्ट की है बैटरी इसके अंदर। और अमूमन जब ये मिस्त्री पर जाती है तो वहाँ पर जो मिस्त्री होते हैं बेचारे, वो कई बार ध्यान नहीं देते इसके बारे में, और गलती से वो 4 वोल्ट की जगह 6 वोल्ट की बैटरी डाल देते हैं इसके अंदर। उसका नुकसान ये होता है कि बैटरी के कारण से उसकी जो LED है वो जल जाती है और सही वर्क नहीं कर पाती। अब देखिए, आप ये 4 वोल्ट की बैटरी इसमें निकलती है, ठीक है ना, और कस्टमर या सॉरी मिस्त्री क्या करते हैं, या खुद कस्टमर भी बेचारा गलती से 4 वोल्ट की जगह पर 6 वोल्ट की बैटरी डालता है इसके अंदर, ये डाल देता है। क्योंकि दुकानदार से मांगते हैं जाके बैटरी देना जी, तो उठा के बैटरी देता 6 वोल्ट वाली देता, वो ले जाओ जी, ठीक है, ये कारण होता है इसके अंदर। और 4 वोल्ट की पहचान क्या होती है बैटरी की, ये देखिए आप, 4 वोल्ट की बैटरी में हमेशा टर्मिनल दोनों बराबर में आएंगे, और 6 वोल्ट की बैटरी में एक इधर आएगा तो एक कोने में जाएगा, उल्टा उल्टा रहता है इसके अंदर। और वो कारण वही क्या है, 2 वोल्ट का सेल है, एक ये माइनस गया ये प्लस आया, 2 वोल्ट हो गए, फिर यहाँ से ये आया प्लस ये माइनस गया, ठीक है, फिर यहाँ माइनस गया यहाँ प्लस आ गया, ऐसा हो गया ना। तो ये 4 वोल्ट की बैटरी बन गई, और लगाते हैं कस्टमर 6 वोल्ट लगाते हैं, उसका नुकसान क्या होता है कि इसका जो आगे वाला बल्ब है ना ये उड़ जाता है, क्योंकि 6 वोल्ट की बल्ब से बैटरी से लगाने पर इसका बल्ब जरूर उड़ेगा, ये तो डेफिनेट है। और दूसरी बात यह है कि वो चार्ज लगाएंगे तो चार्जर मिलता है जो साथ में आता है, चार्जर आता है वो 4.8 वोल्ट का आता है, यानी 5 वोल्ट तक का चार्जर आएगा इसके अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए आप, 4.8 वोल्ट ये चार्जर इसके लिए लेवन बनाया हुआ है, और जब 4.8 वोल्ट से 6 वोल्ट की बैटरी चार्ज करेंगे तो वो बैटरी भी चार्ज नहीं होगी, नुकसान हो गया बैटरी का, प्लस LED गई इसकी, और दूसरा चार्ज नहीं होगी, तीन नुकसान होते हैं इसके अंदर। आइए खोल के दिखाते हैं आपको मैं। इसके अंदर जो मैंने बैटरी डाली है वो डाल रखी है मैंने ये नैनो बैटरी, नैनो टॉर्च नाम की बैटरी आती है इसके अंदर, ये डाल रखी है मैंने, 4 वोल्ट की बैटरी आती है भी, और इसका भी इलाज रिजल्ट बहुत बढ़िया है, 4.5 एम्पियर तक की है ये, 20 घंटे लगातार चलती है 4 वोल्ट की बैटरी ये। और ये जो बैटरी आती है इसमें साथ में 4 वोल्ट की या 8 एम्पियर की आती है, तो ये चलती है 20 घंटा, तो ये चलेगी 40 घंटा, बस फर्क इतना ही रहा। और 20 घंटे कौन चलाता है इसको, कौन चलाता है 20 घंटे, नॉर्मली हम 2 घंटे आधा घंटा 1 घंटा बस लाइट गई बंद बंद कर दिया, या बाहर गए कुछ देखा अंदर घर में आ गए 15 मिनट चला ली, 5 मिनट चला ली, 10 मिनट चला ली, बस ये टाइम होता है इसका। ओके फ्रेंड्स, आओ से खोलते हैं हम लोग। खोलने का तरीका भी इसका अलग तरीका का है, इसमें कहीं भी कोई स्क्रू वगैरह नहीं दिए हुए, आप देखो खाली सामने से खोलोगे ये सिस्टम, सामने खोलने का ये देखिए आप, यहाँ से भी निकाल सकते बैटरी को हम बाहर, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको निकाल के और निकाल सकते बैटरी को बाहर। और अगर हम चाहें ज़्यादा आगे से निकालने में ज़्यादा लफड़ा रहता है बैटरी को, पीछे से निकालने में बहुत आसानी है इसके अंदर, पीछे इसका सर्किट बोर्ड भी आ जाता है और बैटरी भी आ जाती है इसकी बाहर, तो खोलने का बहुत सरल सिस्टम है इसका। इसमें जो रिंग लगा हुआ है ना, इसको पहले हमको ऊपर करना है, ओपन करना है इसको चारों तरफ से, नुकीली चीज से इसको ओपन कीजिए आप, ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो बैटरी थी निकली हुई, जो पुरानी बैटरी थी वो बैटरी थी ये 4 वोल्ट वाली, ये बैटरी थी इसमें 4 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, लेकिन मैंने इसमें 4 वोल्ट की जगह इतनी बड़ी नहीं लगा के छोटी वाली 4 वोल्ट लगा दी इसमें, नैनो वाली लगा दी, ये बैटरी लगा दी मैंने इसमें, ये देखिए आप, पैक कर रखी है मैंने सोचते से, ये 4 वोल्ट बैटरी लगा दी इसमें, 4 वोल्ट 4.5 एम्पियर, ठीक है फ्रेंड्स।
उतना ही वर्क करेगी, उतना ही काम करेगी और बहुत अच्छा काम करेगी और इसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो आप लोग भी ज़रा ध्यान दीजिएगा, कभी भी बैटरी निकालते हैं तो इसमें 4 वोल्ट की बैटरी ही डालिएगा, ना कि 6 वोल्ट। अक्सर कस्टमर क्या करता है या ग्राहक दुकानदार बेचते समय भी 6 वोल्ट देगा उठा के, क्योंकि अमूमन चलन में ज़्यादातर 6 वोल्ट चलती है हमारे यहाँ। तो ग्राहक भी बेचारा क्या करेगा, जो मिलेगी वो ले जाकर डाल देगा, उसको ध्यान थोड़ी इतना कि पड़ता भी नहीं है वो कि 6 वोल्ट निकालिए 4 वोल्ट निकालिए। दूसरा क्या है कि इन बैटरियों पर लिखा हुआ भी नहीं आता कि 4 वोल्ट की बैटरी है, इसमें लिखा हुआ है अमूमन बैटरियाँ प्लेन आती हैं इस तरह की, कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा इसमें कहीं कहाँ कितना वोल्ट देना है अपने को। हालांकि इस बैटरी में लिखा हुआ था लेकिन कहीं लिखा हुआ नहीं होता, प्लेन बैटरी आती है। तो ग्राहक हमेशा 6 वोल्ट डालेगा इसमें, देने वाला भी 6 वोल्ट देगा आपको, ये बात का जरूर ध्यान रखिएगा आप। और इसकी जो लाइटिंग है, फ्लश है, वो भी बहुत हाई पावर का आता है, लंबी रेंज में काम करती है ये। आइए आपको चेक कराते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आइए ये फॉक्स देखिए, इसका फर्स्ट स्टेप लाइट, ये फर्स्ट स्टेप है इसका, ठीक है, एकदम कम लो। सेकंड स्टेप में हाई और थर्ड स्टेप में डीपर। ये फॉक्स है इसका और रेंज बहुत लंबी है इसकी, ये देखिए आप, आसमान छू रही है। ओके फ्रेंड्स, आपने इसका फॉक्स देख लिया कितनी लंबी रेंज है इसकी, और जो गलतियाँ हमने की हैं कई बार पहले, आपने आपको नहीं करनी है। 4 वोल्ट की जो बैटरी डालनी है इसमें वही ध्यान रखिएगा। ये देखिए इसकी रेंज, कटोरी बड़ी प्यारी है इसकी, रिफ्लेक्टर बहुत अच्छा है और अकारी के नाम से आती है, DC अकारी प्लस के नाम से बैटरियाँ हैं, अच्छी रेंज है और बढ़िया फॉक्स के लिए। रिपेयरिंग में ध्यान दीजिएगा आप। चलाओ तो सर है ना।